स्ट्रैटेजी इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. स्ट्रैटेजी का एक और नाम हम दे सकते हैं प्लानिंग. कि अगर बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के आप कुछ भी करोगे तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है. ऐसा नहीं उसके बिना नहीं हो सकते. जैसे एक तरीका है अपने घर से यहां तक आने का कि आपने पहले गूगल मैप्स ऑन किया, उस पर देखा कहां पर ट्रैफिक जैम है, कहां पर कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, फिर उस रूट को पकड़ा और फिर यहां पर आ गए. एक है बस जिस रास्ते से रोज आते हैं वहीं पर आ रहे हैं, तो हो सकता है फंस गए, हो सकता है यहां पहुंच ही ना पाओ. तो स्ट्रैटेजी मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड करेक्टली. नहीं तो क्या होता है, अभी देखो, देखते देखते ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देख पा रहे हो आप भी मेरे साथ साथ में, देख पा रहे हो कि मैं कहां से कहां गया हूं. कहां गया हूं मैं, तो यही कहीं हूं. स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी, प्लान बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड लेवल सिचुएशन. उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके बेस पे प्लानिंग करी जाती है. यही गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ में, क्यों स्ट्रैटेजी तो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल सिचुएशन को समझते ही नहीं है. कुछ भी अपना प्लान बना दिया, कुछ भी गोल सेट कर दिया, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपने माइंड में, बट उनको एक्चुअल सिचुएशन पता ही नहीं है कि है क्या. जैसे बिजनेस के लिए लोग प्लानिंग करते हैं, आप में से कितने हैं जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं? तो दो तरीके हैं ना, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के. एक है अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हो, एक है पहले एक्चुअल में उस सिचुएशन को समझ रहे हो. जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो उस इंडस्ट्री को बारीकी से समझ रहे हो, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसको समझ रहे हो, जो कॉम्पिटिशन है उसको समझ रहे हो. मतलब डीपली समझ करके फिर जब आप प्लान बनाते हो तो देर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो प्लान फुल प्रूफ होता है. ये जो प्लानिंग है और स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में. नॉट जस्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी. क्लैरिटी 100%. जहां पे क्लैरिटी होती है वहां पर कॉन्फिडेंस होता है. अगर इस कमरे में मैं अंधेरा कर दूंगा फिर आपको बोलूं बाहर जाने के लिए, कॉन्फिडेंस कैसा होगा? और ऊपर से यहां पर कुछ बिजली की नंगी तारे, पैर पड़ा और गए, फड़फड़ाए और गए. सपोजिंगली लाइट्स ऑन हो और फिर भी वो बिजली की नंगी तारे पड़ी हुई हो, स्टिल यू हैव कॉन्फिडेंस. तो जो भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी आप अपने माइंड में सुबह से रात तक सोचते रहते हो, वो सब अंधेरा है. क्या आप बारीकी से जो भी कर रहे होते हो उसकी रियलिटी को समझते हो, या जैसा आपको लग रहा होता है उस हिसाब से एक्ट करते हो? तो जितना रियलिटी को आप समझ करके, एक्चुअल सिचुएशन को समझ करके एक्ट करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, उतनी ही क्लैरिटी ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी. यू नीड टू फाइंड द इजियर वे आउट, इजिएस्ट वे आउट. मैं इजियर भी नहीं बोलूंगा, इजिएस्ट वे आउट. और ये अगर आप कहीं पर भी बात करोगे जाकर के अपने घर में या कहीं पर भी, तो दो कान के नीचे आपके घुमा करके पड़ेंगे कि बेटे आसान आसान कुछ नहीं होता है. अबे तुम जियो ना फिर खचरों की तरह, कौन मना कर रहा है? जो भी स्मार्ट वर्क करते हैं वहां पर मुश्किल कुछ नहीं होता है. स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान से आसान बना दिया, जड़ से ही प्रॉब्लम को खत्म कर दो. आई बात पकड़ में नहीं आई? प्रैक्टिकली बताऊं कैसे. आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और सब वही आपको करने के लिए बोल रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, क्योंकि सब वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं. जो सब नहीं कर रहे उससे अलग कुछ भी आप करने की बात भी करोगे तो आपकी वॉट लगा दी जाएगी. ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा. इंसान उन सब चीजों से डरता है जो उसको समझ नहीं आता है. दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन. तो सब क्या कर रहे हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि जो सब करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी किसी भी काम में, वहां पे कॉम्पिटिशन भी दबा के होगा, प्रेशर भी होगा. जहां कॉम्पिटिशन होगा वहां प्रेशर नहीं होगा क्या? अच्छा खासा प्रेशर होगा, क्योंकि जो ऊपर बंदे बैठे उनको पता है कि एक मिनट में आपको साइड करो, 36 बंदे लाइन लगा के बैठे हैं. अगर किसी ऐसी फील्ड में आप हो जहां पर आपका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है तो आपकी क्या वैल्यू होगी? तो पैसा कमाना आपके लिए आसान होगा, मुश्किल होगा? हाँ जी. अरे बात पकड़ा, स्मार्ट वर्क क्या होता है.